brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. फर्ज कीजिए आज से 20 लाख साल पूर्व सवाना के मैदानों में घूमते किसी आदिम मनुष्य ने पहली बार आग को देखा होगा। कोई एक होगा जिसने जरूरत की होगी और आग पे काबू पाकर उसका इस्तेमाल करना सीखा होगा। इसी आग की शक्ति से मनुष्य को रात में विचरने की क्षमता मिली होगी और आग के इर्द गिर्द लेटे हुए ऐसे ही किसी पहले मनुष्य ने रात में आसमान की ओर देखा होगा और सोचा होगा, ये टिमटिमाते बिंदु आखिर हैं क्या। 20 लाख साल की यात्रा में हमारी जरूरत हमें उस मोड़ तक ले आई है जहां हम न केवल उन बिंदुओं को पहचान चुके हैं बल्कि उन तक और उनके पार पहुंचने की यात्रा की शुरुआत भी कर चुके हैं। यात्रा जिसकी शुरुआत हुई है अमेज़न के जंगलों से, लेकिन इस यात्रा का गंतव्य स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में है, बहुत पीछे। कितने पीछे? ब्रह्मांड की शुरुआत तक। हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जिसे शनिवार 25 दिसंबर को फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोपियन स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया। 5:55 पर जैसे ही रॉकेट बूस्टर से अलग हुआ, 14 देशों के हजारों इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की सांस में सांस आई। कारण कि हमारे लिए जो सिर्फ एक वैज्ञानिक कौतूहल है, उसमें लगी है हजारों वैज्ञानिकों की 4 करोड़ घंटे की मेहनत और 7,500 करोड़ की लागत, तब जाकर मानवता के सैकड़ों सालों के सपने को उड़ान मिली है। नासा के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आगे की क्या योजना है, अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किन किन पड़ावों से होकर गुजरेगा और दुनिया भर के खगोलविदों की इससे क्या क्या आशाएं जुड़ी हैं, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम। इस ऐप पर आपको तमाम विधाओं की ऑडियो बुक्स का खजाना मिलता है। ऑडियो बुक्स माने बोलने वाली किताबें जिन्हें आप दूसरे काम करते हुए भी सुन सकते हैं। नया साल नज़दीक आ चुका है, हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे बदलावों का साल बने। किताबें बदलाव का ईंधन होती हैं। कुकू एफएम पर आप एक किताब की कीमत में हजारों ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। लल्लन टॉप का साथी होने के नाते आपके लिए खास ऑफर भी है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की भारी छूट। करना क्या होगा, सब्सक्रिप्शन लेते समय NY50 का कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये कोड 1 जनवरी 2022 तक ही वैध है। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहुंच जाइए। अब मुद्दे पर आते हैं, शुरुआत से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 14 फरवरी 1990 यानी वैलेंटाइंस डे की बात है। धरती से लगभग 6000 किलोमीटर दूर एक प्रेम कहानी लिखी जा रही थी। इंसानी निशानियों को लेकर वॉयजर 1 सुदूर ब्रह्मांड की यात्रा पर जा रहा था। कार्ल सेगन ने तब नासा से एक निवेदन किया। इसके बाद वॉयजर 1 के कैमरे को आखिरी बार धरती की तरफ मोड़ा गया और उसने धरती की एक आखिरी तस्वीर खींची। तस्वीर धरती तक पहुंची और इसके बाद वॉयजर 1 अपनी अनंत यात्रा पर चला गया, कभी लौट कर ना आने के लिए। वॉयजर 1 द्वारा खींची गई इस तस्वीर का नाम है द पेल ब्लू डॉट, जिसमें सूरज की रोशनी में धरती एक हल्के नीले बिंदु की तरह दिखाई दे रही है। इस तस्वीर पर कार्ल सेगन ने लिखा, इस बिंदु को बार बार देखो, यही हमारा घर है। हर वो शख्स जिसके बारे में तुमने सुना, जाना और जिससे तुमने प्यार किया, हर वो शख्स जो कभी अस्तित्व में रहा, इस छोटे से नीले बिंदु में ही उसने अपनी पूरी जिंदगी जी है। हमारे सारे सुख दुख, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे धर्म, हमारी हर जीत हार, हर साधु और हर शैतान का कुल जोड़ यही एक बिंदु है, सूरज की रोशनी में लटकता हुआ धूल का ये कण। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च का जब ट्रेलर रिलीज किया तो उसमें कार्ल सेगन की आवाज को नरेशन के लिए उपयोग किया। एक बिंदु पर कार्ल कहते हैं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं लेकिन खोज जारी है। क्या करें, ये कौतूहल हमारी प्रकृति है और इसलिए हम खोज जारी रखने के लिए मजबूर हैं। इसी मजबूरी का ही फल था कि 1990 में नासा ने जेम्स वेब के पूर्ववर्ती हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया। तब किसी ने सोचा नहीं था कि वो हमें क्या दिखाएगा। इसका नाम मशहूर अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर ही रखा गया था।
ब्रह्मांड स्टैटिक यानी रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये तेज गति से विस्तार कर रहा है, ये पता लगाने वाले एडविन हबल पहले व्यक्ति थे। 31 सालों में हबल ने हमें कुछ ऐसी अद्भुत तस्वीरों से नवाजा है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हबल द्वारा एकत्र किए डेटा से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सुदूर आकाश गंगाओं, ग्रहों, तारों आदि के बारे में बेहतर समझ बना पाए हैं। इसकी बदौलत ही हमें ब्रह्मांड की ठीक ठाक उम्र का पता लग पाया और ये भी पता चला कि ब्रह्मांड में जो कुछ दिख रहा है उससे कहीं अधिक मात्रा में एक ऐसी एनर्जी है जिसे डार्क एनर्जी का नाम दिया गया, यानी जिसे अभी तक जाना नहीं जा सका है, लेकिन गणना बताती है कि ऐसी एक एनर्जी मौजूद है। हबल ने हमें बहुत सी जानकारियाँ दी लेकिन फिर भी ये अपनी क्षमता में सीमित है, कारण कि सुदूर ब्रह्मांड से आने वाली प्रकाश की वो वेवलेंथ जिन्हें ये पकड़ नहीं सकता था। सुदूर ब्रह्मांड में गैस और धूल के ऐसे विशाल बादल हैं जिन्हें प्रकाश की विजुअल वेवलेंथ पार नहीं कर सकती। इसके बरक्स इंफ्रारेड किरणें धूल और गैस के बादलों को पार कर सकती हैं, इसलिए नासा ने एक ऐसे टेलीस्कोप की तैयारी शुरू की जो इंफ्रारेड किरणों को पकड़ सके। इसी ख्याल से शुरुआत हुई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। इसका निर्माण नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और कनाडा स्पेस एजेंसी CSA के साथ मिलकर किया है। इस मिशन की शुरुआत 1996 में हो चुकी थी और तब इसकी लॉन्च डेट 2005 रखी गई थी, लेकिन बजट और टेक्निकल दिक्कतों के चलते इसकी लॉन्च डेट आगे खिसकती गई। सबसे बड़ी दिक्कत थी इसकी टेस्टिंग की, जिसमें लगभग 7 साल लग गए। टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी थी कि एक बार लॉन्च के बाद इसमें कोई खामी आ गई तो उसे सही करना लगभग असंभव होगा। 1990 में जब हबल को लॉन्च किया गया तो उसमें भी खराबी आई थी, तब एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर इसे सही कर लिया गया, लेकिन इस बार यह संभव नहीं है। क्यों, ये आगे समझेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि अपने टेक्निकल पेचीदगियों के चलते शुरुआत में इसका जो बजट $500 मिलियन रखा गया था वो बढ़ते बढ़ते करीब $9.7 बिलियन यानी 74,000 करोड़ रुपए हो चुका है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को टाइम मशीन की संज्ञा भी दी जा रही है, ऐसा इसलिए कि ये समय में पीछे देखने की क्षमता भी रखता है। कैसे, वो ऐसे समझिए कि जो वस्तु अंतरिक्ष में जितनी दूर होगी उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में उतना वक्त लगेगा, यानी आज जो प्रकाश हम देख पा रहे हैं वो सालों पहले उत्पन्न हुआ होगा। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश हम तक 7 मिनट पर पहुंचता है, इसलिए सूरज की जो तस्वीर हमें दिखाई देती है वो अतीत में 7 मिनट पहले की है। स्पेस के लेवल पर ये दूरी जितनी बड़ी होती जाएगी समय का अंतराल भी उतना अधिक होता जाएगा, इसलिए हम जितनी दूर का प्रकाश पकड़ने में सक्षम होंगे उतना ही पीछे अतीत में भी देख पाएंगे। अब बात इसके टेक्निकल पक्ष की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 6.5 मीटर चौड़ाई का मिरर लगा है ताकि ये इंफ्रारेड किरणों को कैद कर सके। तुलना के लिए देखें तो हबल के मिरर की चौड़ाई 2.5 मीटर है, साथ ही इसमें 22 मीटर की एक सनशील्ड भी लगाई गई है, तकरीबन एक टेनिस कोर्ट के साइज की। सनशील्ड लगाने के पीछे दो कारण है, पहला इसे सूरज के प्रकाश से बचाने के लिए और दूसरा इसके तापमान को कम रखने के लिए। तापमान को कम रखना इसलिए ज़रूरी है कि टेलीस्कोप को -220 डिग्री सेल्सियस पर काम करना है। इतने कम तापमान पर इसलिए क्योंकि इंफ्रारेड किरणों का ताल्लुक ऊष्मा से होता है और जितना कम तापमान होगा इसकी सेंसिटिविटी उतनी ही अधिक होगी। इन सब के अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में तस्वीर को प्रोसेस करने के लिए विभिन्न उपकरण भी लगे हैं, माने फिल्टर, सेंसर, मॉनिटर, स्पेक्ट्रोग्राफ आदि। इसके मिरर की एक खास बात और भी है, मिरर को 18 भागों में जोड़कर इस तरह डिजाइन किया गया है कि उन्हें फोल्ड कर लॉन्च किया जा सके। स्पेस में पहुंचकर ये 18 हिस्से लगभग एक तितली के पंख की तरह खुलेंगे और एक डिस्क का आकार बनेगा। तो जैसा कि लाजमी है, लॉन्च सफल होने से वैज्ञानिक खुश हैं, लेकिन सच ये भी है कि लॉन्च सिर्फ पहला चरण था। सितारों से आगे जहां और भी है, लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप का पहला इम्तिहान आया। ये कमोबेश आसान था। पहला टास्क था टेलीस्कोप के सोलर पैनल को काम में लाना। चूँकि पहले ये बैटरी पावर पर काम कर रहा था, इसलिए सूरज की रोशनी का उपयोग कर बैटरी पावर को बचाया जाएगा, जो आगे इसके ऑर्बिट में बने रहने के काम आएगी।
अगला चरण था कोर्स करेक्शन। ये दोनों चरण शनिवार देर रात तक पूरे कर लिए गए। संडे को टेलीस्कोप का एंटीना भी रिलीज कर दिया गया ताकि टेलीस्कोप डेटा को धरती तक भेज सके। लॉन्च से तीसरे और सातवें दिनों के बीच टेलीस्कोप की सनशील्ड को खोला जाएगा ताकि इसे सूरज की रोशनी से बचाया जा सके। सबसे बड़ा इम्तिहान है दसवें दिन, जब जेम्स वेब टेलीस्कोप का सेकेंडरी मिरर अपनी पोजीशन लेगा। ये चरण सबसे क्रूशियल इसलिए है क्योंकि सेकेंडरी मिरर के बिना ये स्पेस से लाइट को कैप्चर ही नहीं कर पाएगा और ऐसा होने की स्थिति में मिशन पूरी तरह फेल हो जाएगा। अगले 30 दिन इस मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए वैज्ञानिक मजाक में ही सही अगले 30 दिनों का 30 डेज ऑफ टेरर का नाम भी दे रहे हैं। आखिर चरण आएगा 29वें दिन, जब जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने थ्रस्टर्स फायर करके ऑर्बिट में पहुंचने की कोशिश करेगा। पहले हमने आपको बताया था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टेस्टिंग में 7 साल का समय लगा। इसका कारण है इसका ऑर्बिट। हबल टेलीस्कोप तो बाकी उपग्रहों की तरह धरती की कक्षा में घूम रहा है, लेकिन जेम्स वेब ऐसा नहीं करेगा। जेम्स वेब धरती की ही तरह सूरज की परिक्रमा करेगा। कैसे? उसके लिए एक टर्म जान लीजिए, L2 यानी दूसरा लग्रांज बिंदु। अब ये क्या होता है? L2 वह बिंदु है जहां सूरज और धरती दोनों इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे, लेकिन L2 पर जेम्स वेब के ऑर्बिटल मोशन और गुरुत्वाकर्षण बलों का ऐसा बैलेंस बनेगा कि वो उस बिंदु पर स्थिर बना रह सकेगा। हालांकि स्थिर का मतलब यहां धरती के सापेक्ष स्थिरता से है। सूरज का चक्कर ये तब भी लगाएगा। ऑर्बिट में स्थित हो जाने के अगले 6 महीने तक इसका कैलिब्रेशन किया जाएगा और 2022 जुलाई महीने से उम्मीद है ये काम करना शुरू कर देगा। आप जानते हैं कि नासा के इस मिशन का उद्देश्य क्या है। सबसे मुख्य उद्देश्य तो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वक्त पैदा हुई शुरुआती रोशनी को कैप्चर करना, ताकि शुरुआती आकाश गंगाएं कैसे बनी इसका अध्ययन किया जा सके। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य है जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को सुलझाना। इसके लिए जेम्स वेब सुदूर आकाश गंगाओं में ग्रहों पर मौजूद जीवन के निशान खोजने की कोशिश करेगा। वैज्ञानिकों की जेम्स वेब टेलीस्कोप से बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। संभव है कि इससे हमें कुछ सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। मसलन, शुरुआती ब्रह्मांड कैसा दिखता था, तारों, ग्रहों, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। हबल की मदद से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 40 करोड़ साल बाद की तस्वीर देख पाए हैं, लेकिन जेम्स वेब से हम इससे 30 करोड़ साल और पीछे जा सकेंगे। अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आज तक के समय को एक और कैलेंडर में बांट दिया जाए और आज के समय को 31 दिसंबर रात 11:55 माना जाए, तो जेम्स वेब हमें जो तस्वीर दिखाएगा इससे 359 दिन पहले यानी 6 जनवरी की होगी। कोशिश चाहे चंद हजार लोगों की हो, लेकिन जेम्स वेब के हासिल में हम सब साझेदार हैं। इसलिए वैज्ञानिकों की कोशिश को सराहते हुए आइए कोशिश करें कि हम खुद में विज्ञान सम्मत समझ पैदा करें और शुरुआत करें 3 सवालों से। वही सवाल जिससे समस्त विज्ञान की शुरुआत हुई है, कैसे, क्यों और क्या। विज्ञान की इस पराकाष्ठा के बाद अब खबर इंसानियत की पराकाष्ठा की। दक्षिण अफ्रीका से खबर है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टूटू का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। डेसमंड टूटू दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी इतिहास में नेल्सन मंडेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम थे। हमेशा बैंगनी रंग के कपड़े पहनने वाले डेसमंड टूटू अपनी मुस्कान और हंसमुख मिजाज के लिए फेमस थे। टूटू की कहानी की शुरुआत होती है 1953 में, तब अश्वेत लोगों के लिए एक अलग पाठ्यक्रम चलाया जाता था, नाम था बंटू शिक्षा। टूटू एक स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन बंटू शिक्षा के विरोध में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1955 में टूटू चर्च से जुड़े और 1960 में जोहान्सबर्ग कैथेड्रल में एक पादरी के रूप में नियुक्त हुए। चर्च में उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा जारी रखी और 1975 में इसी चर्च से जुड़े एक कॉलेज में पहले अश्वेत डीन बने। 1970 के दशक में उन्होंने लंदन और बाकी अफ्रीकी देशों का दौरा किया और 1976 में वापस लौटकर रंगभेद के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। 1976 में उन्होंने तत्कालीन रंगभेदी प्रधानमंत्री जॉन वोस्टर को एक पत्र लिखा और काले लोगों के लिए अधिकारों की मांग की। अपने कठोर और तीखे भाषणों के लिए मशहूर टूटू को सरकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। 1980 में सरकार ने उनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया।
तब तक टूटू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी थी। इसी के चलते सरकार को उन्हें एक सीमित यात्री दस्तावेज मुहैया करवाना पड़ा। रंगभेद के खिलाफ अपनी कोशिशों के चलते 1984 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी साल वो जोहान्सबर्ग के बिशप और 1986 में केपटाउन के आर्क बिशप बने। तब से लोग प्यार से उन्हें सिर्फ आर्क बुलाने लगे। 1990 में नेल्सन मंडेला की रिहाई के बाद उन्होंने उनके साथ संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया और 1994 में नेल्सन मंडेला सरकार में उन्हें ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टूटू को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि आयोग के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने गोरों और अश्वेत लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया और जिनको भी माफ़ी दी जा सकती थी उनको सहयोग दिया। इसके अलावा टूटू की पहचान एक धार्मिक लीडर होने तक सीमित नहीं थी। उनकी बेटी एम्फो टूटू ने जब घोषणा की कि वो समलैंगिक हैं तो टूटू ने ये कहते हुए चर्च को नकार दिया कि अगर भगवान समलैंगिकता से डरता है तो मैं उस भगवान की पूजा नहीं करता। रंगभेद की समाप्ति के बाद भी टूटू तमाम राजनेताओं के मुखर विरोधी रहे। उन्होंने सत्तारूढ़ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को भी नहीं बख्शा, जिसके वह पूरी जिंदगी एक गौरवान्वित सदस्य रहे। दुनिया के सभी बड़े नेताओं और धर्मगुरुओं की तरफ से टूटू के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। इनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दलाई लामा भी शामिल हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया। यहाँ के झरने, यहाँ के जलप्रपात, यहाँ की सुंदरता, पहाड़ी सबसे अलग है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी, चाहे कितना ग्लोबलाइजेशन हो जाए, कितना मॉडर्नाइजेशन हो जाए, वो अभी भी वो जो मूल उनका व्यवहार है उसमें दिखता है कैसे वो जमीन से जुड़े हुए हैं, कैसे वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं। मैं किसी को बताऊंगा ना कि मैं वाटरफॉल देखने जा रहा हूँ और ऐसे, या तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। ये देखिए, चींटी की चटनी यानी चापड़ा तैयार हो चुका है। मोहन इसको चक्कर बताएंगे कि कैसी बनी है। हम बोलते हैं कि कहीं भी आप पत्थर फेंको वहाँ आपको वाटरफॉल मिल जाएगा। हम वो जो सामने पहाड़ी है वहाँ से हम नीचे जाएंगे। जी सर। वो फंसा हुआ है वहाँ। कितने कल्चर हैं जो आज भी आपके जानकारी में नहीं। देखिए पूरा घना बाजार है बिल्कुल। तो भैया इसमें क्या नशा भी होता है क्या इसमें? हाँ, नशा होता है। जो बस्तर का दशहरा है वो विश्व के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। 75 दिन से ज्यादा चलने वाला ये त्योहार अपने आप में सामाजिक एकता का स्वरूप है। यहाँ देखो इतनी संप्रदाय है, इतनी मतलब जनजातियां हैं, बस्तर दशहरा में सभी एक साथ मिलजुल कर इस 75 दिन के दशहरे को स्वस्फूर्त पूरा करते हैं। I become a person that people are expecting something from me. एक छोटे बच्चे को लोग भगवान की तरह से पूज रहे हैं। केवल बारूद की गंध लोगों ने ली है, यहाँ के प्यार का सुगंध किसी ने नहीं लिया, तो इस सुगंध को लेने के लिए बस्तर आना चाहिए।